जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 जिसका नाम है कर्मयोग। और आज हम इस अध्याय को हिंदी भाषा में बिल्कुल एकदम से सरल तरीके से पढ़ेंगे। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यदि आपके अनुसार बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस युद्ध जैसे कठिन और हिंसक कर्म में क्यों धकेल रहे हैं? आपके मिश्रित वचनों के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया निश्चित रूप से मुझे वह एक मार्ग बताएं जिसके द्वारा मैं अपने कल्याण को प्राप्त कर सकूं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में मैंने दो प्रकार के मार्गों का वर्णन किया है, सांख्य योगियों के लिए ज्ञान योग और कर्म योगियों के लिए कर्म योग। ज्ञान योग का अर्थ है यह कर्म उन लोगों के लिए जो तत्व ज्ञान के माध्यम से सत्य की खोज करते हैं। कर्म योग अर्थात जो अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव अर्थात फल की इच्छा के बिना करते हैं। दोनों ही मार्ग योगी के लिए मोक्ष का साधन है और व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति और स्वभाव के अनुसार इनमें से किसी भी एक मार्ग को चुन सकता है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सभी जीव प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा अवश्य ही कुछ न कुछ कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। अतः हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सही दिशा में कर्म करना चाहिए। कोई व्यक्ति कहे कि उसने भौतिक सुखों को त्याग दिया है, लेकिन वह मन में बार बार उन्हीं चीज़ों को सोचता है, तो उसका त्याग सिर्फ दिखावा है। असली त्याग जब होता है जब हम मन से उन इच्छाओं का नियंत्रण करते हैं। हमें न केवल अपने कर्मों को सीमित करें बल्कि अपने मन और विचारों पर भी नियंत्रण करें। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को और अपने मन के द्वारा नियंत्रण में रखता है और अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी लगाव के करता है, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। अर्थात कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। यही जीवन जीने का मार्ग है। तुम्हें अपने कर्मों के द्वारा देवताओं का पोषण करना चाहिए और बदले में देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। अर्थात मनुष्य को अपने कर्मों से प्रकृति और समाज की सेवा करनी चाहिए। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाते हैं और प्रकृति तथा समाज का ध्यान रखते हैं, तो बदले में प्रकृति और समाज भी हमारा ध्यान रखते हैं, हमें सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। हमें जीवन में निस्वार्थ और परोपकार की भावना से कर्म करना चाहिए, वही सच्चा धर्म है। प्रकृति और समाज के बीच एक गहरा संबंध है। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करता है तो वह कार्य यज्ञ का रूप ले लेता है। यह यज्ञ का अर्थ है त्याग। यज्ञ से प्रकृति में संतुलन रहता है, जिससे वर्षा होती है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन का आधार है। सही कर्म करें और अपने कर्तव्यों का पालन सुख करने से ही सुख और शांति प्राप्त होती है। सभी कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं। वेद जीवन के सभी कर्मों और सही तरीके बताते हैं। वेद स्वयं अक्षर ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं। अक्षर ब्रह्मा का अर्थ है वह अनश्वर तत्व जो कभी समाप्त नहीं होता। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य और धर्म के मार्ग को नहीं मानता और केवल इंद्रिय सुखों में लिप्त रहता है, वह न केवल पाप करता है बल्कि एक दुखी और व्यर्थ जीवन जीता है। अर्थात हमें अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारियों के साथ निभाते हुए ही जीवन जीना चाहिए। हमें अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम से न जुड़े रहकर जनक और अन्य ज्ञानी लोग कर्म के माध्यम से ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तुम्हें भी सार्वजनिक भलाई के लिए अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। जो कुछ भी श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वह जिस भी मापदंड को स्थापित करेगा, लोग उसी का अनुसरण करेंगे। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य की महत्वता बताते हुए कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैंने अधूरा छोड़ा हो या मुझे कुछ पाना हो, फिर भी मैं कर्म में लीन रहता हूँ। जब भगवान जी ने कुछ भी पाना या सिद्ध करना बाकी नहीं, वे भी कर्म करते हैं। वे सृष्टि की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्म करते हैं। तो मनुष्य को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कर्म से कभी भी विमुख नहीं हुआ जा सकता है, भले ही व्यक्ति किसी भी अवस्था में क्यों न हो।
अर्थात वह हमेशा कर्म में लीन रहता है। हमें अपने कर्मों के फल का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही संपन्न होते हैं। एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति ही यह समझ सकता है कि कर्म के असली कर्ता प्रकृति के गुण हैं। यहाँ प्रकृति के तीन गुणों को बताया गया, सत्व गुण, रजस और तमस। सत्व गुण का अर्थ है पवित्रता तथा ज्ञान। सत्य अर्थात अच्छे कर्मों की ओर मोड़ने वाला गुण, जो तीनों गुणों में श्रेष्ठ है। सात्विक व्यक्ति मेहनती, सच्चा और साहसी होता है। रजस क्रिया तथा इच्छा है। राजसिक व्यक्ति स्वयं के लाभ तथा कार्य से हेतु जीतता है। रजोगुण के व्यक्ति फल की इच्छा से कार्य करते हैं और मन में चंचलता बनी रहती है। तमस अज्ञानता तथा निष्क्रियता। तामसिक मनुष्य दूसरों को अथवा समाज को हानि पहुंचाकर स्वार्थ सिद्ध करता है। इस गुण के कारण व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में बंध जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग ईर्ष्या और द्वेष के कारण मेरे इस मत का पालन नहीं करते, वे अज्ञान तथा अंधकार में डूबे रहते। अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जैसे नकारात्मक भावनाएं आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। भगवान केवल भगवत गीता के ज्ञान को अस्वीकार करते हैं, बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य भी खो देते हैं। ऐसे लोग भले ही दुनिया ज्ञान में माहिर हों, असली ज्ञान जो आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है उसको खो देते हैं। जो व्यक्ति राग और द्वेष के वश में नहीं आता, वही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। अर्थात हमारा शरीर नश्वर है, बल्कि हमारी आत्मा हमारा जो ईश्वर का ही अंग है। किसी व्यक्ति को अपने स्वधर्म को निभाना चाहिए, भले ही उसमें कुछ दोष हो। स्वधर्म में मृत्यु होना बेहतर है। पर धर्म दूसरों का धर्म बहुत ही डरावना और खतरनाक होता है। स्वधर्म का अर्थ है हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए, जो उसके स्वभाव, स्थिति और जीवन के उद्देश्य के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। स्वधर्म निभाते समय यदि आप कोई गलती भी कर देते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ है या अच्छी है, क्योंकि वह व्यक्ति की प्रकृति और कर्तव्य के अनुसार होती है। पर धर्म का अर्थ है दूसरों का धर्म, अर्थात दूसरों के कर्तव्य या जिम्मेदारियों का पालन करना। अन्य लोगों के धर्म को अपनाना उनकी तरह कार्य करना हो सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दूसरों के धर्म का पालन भले ही सही ढंग से किया जाए, अधिक खतरनाक और भयावह हो सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति की प्रकृति और स्वभाव के बिल्कुल विपरीत होता है। इस संसार में मनुष्य किसी के द्वारा प्रेरित होकर पाप करता है। यहाँ अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं श्री कृष्ण से कि भाई हम कोई पाप करना भी न चाहें, फिर भी हम कुछ न कुछ पाप कर बैठते हैं। ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक उसे प्रेरित कर रहा हो। मनुष्य के भीतर ऐसा कौन सा कारण या शक्ति है जो उस पाप या अधर्म के कार्यों की तरफ प्रेरित करती है। अर्जुन का यह प्रश्न हर व्यक्ति के जीवन में उठता है, क्योंकि हम कई बार जानते हुए भी गलत कार्य कर बैठते हैं। यह मजबूरी किस वजह से आती है? यह कोई मानसिक कमजोरी है या इंद्रियों का दोष है जो हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करती है? यहाँ रजोगुण मनुष्य के भीतर इच्छा और असंतोष की भावना को जन्म देता है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता तो उसको क्रोध उत्पन्न होता है। यह क्रोध व्यक्ति को अधर्म के मार्ग की तरफ ले जाता है। अर्थात अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण के कारण मनुष्य ऐसे गलत रास्ते अपना लेता है। मनुष्य को आत्म संयम और मानसिक शांति को विकसित करके करना आवश्यक है, ताकि मनुष्य रजोगुण के विकार से मुक्त हो सके। जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है, दर्पण मैल से ढका होता है, गर्भ भ्रूण से ढका होता है, उसी प्रकार ये ज्ञान इच्छा से ढका होता है। जब तक इच्छाओं का प्रभाव हमारे मन और बुद्धि पर रहेगा, तब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति कठिन है। तब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करता रहेगा, उसका ज्ञान विस्तृत होता जाएगा और वास्तविक ज्ञान की तरफ वह अग्रसर हो जाएगा। इंद्रियों को विषयों से श्रेष्ठ कहा गया है। मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है, लेकिन जो बुद्धि से परे है वह है आत्मा। इंद्रियां जैसे नाक कान हमारे भौतिक विषयों के अनुभव के माध्यम है, लेकिन इंद्रियों से भी ऊपर मन है जो हमारी इच्छाओं और भावनाओं से चलित होता है। मन से भी अधिक शक्तिशाली बुद्धि है
जो सही गलत का निर्णय करती है, लेकिन इन सबसे भी श्रेष्ठ आत्मा जो बुद्धि का भी स्रोत है। आत्मा को समझना और उसके अनुसार जीवन जीना वास्तविकता है। इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानो और अपनी आत्मा द्वारा अपने मन को स्थिर करो। उस काम रूपी शत्रु का नाश करो जो कि अत्यंत कठिन है। इच्छाएं मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु हैं और इन्हें जीतने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। इच्छाएं इतनी शक्तिशाली होती है कि वे हमारी बुद्धि को भी भ्रमित कर देती है, जिससे व्यक्ति सही और गलत का भेद नहीं कर सकता। इसी के साथ हमारा अध्याय 3 समाप्त होता है। हमारे साथ अध्याय 3 में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।